स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो गाइज, आज से मैंने नई सीरीज़ जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया स्टार्ट की है। अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसे मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, नहीं आपको कोई ऐसा मटेरियल देगा। तो गाइज़, बहुत और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, द पैलियोलिथिक एज इज़ आल्सो नोन एज मिडल एज, न्यू एज, ओल्ड एज, स्टोन एज। तो इसका राइट आंसर है गाइज, ऑप्शन नंबर 3, ओल्ड एज। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चालकोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, न्यू एज या मिडल एज। तो गाइज, चालकोलिथिक एज को कहा जाता है ऑप्शन 1, ब्रॉन्ज एज। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज बीसी हिस्ट्री, हड़पन सिविलाइजेशन, पैलियोलिथिक एज या प्रोटो हिस्ट्रिक एज। तो गाइज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हड़पन सिविलाइजेशन। तो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मांडा, डेम अम्बाद, आलमगीर या नन ऑफ दीज। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेम अम्बाद। तो गाइज, ऐसा है, यह है नॉर्थ, यह साउथ, यह ईस्ट और यह है वेस्ट। यहाँ पे है मांडा जो है वो जम्मू में है, वो नॉर्थ में है। आलमगीरपुर जो है वो यहाँ पे ईस्ट में है, और साउथ में जो है ये डेम अम्बाद है। ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट करना कॉपी के ऊपर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशंट साइट हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इंदस, रवि, गंगा या दामोदर। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रवि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लार्जेस्ट इन द सिटी, राखीगढ़ी, हरप्पा, मोहनजोदारो या आलमगीर। तो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सबसे बड़ी सिटी थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेट राइटिंग स्टाइल वाज बस्ट्रोफेडन स्टाइल फाउंडेड इन द साइट, कौन सा स्टाइल था? बस्ट्रोफेडन स्टाइल था, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन या राखीगढ़ी। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हम्पलेस बुल सील वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या लोथल। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदारो। ठीक है गाइज, हम्पलेस बुल सील जो है यहाँ पे फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु डिवाइडेड हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स, मैक्स मुलर, चाणक्य, अलेक्जेंडर या क्रिस्टोटोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, क्रिस्टोटोप। गाइज, द फर्स्ट एंशियंट रूलर्स वाज मेसोपोटामियंस, मॉडर्न नेम इज, कौन थे? मेसोपोटामियंस थे। आज का नाम क्या है उनका? अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान या ग्रीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईरान, ईरानियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हरप्पा, राखीगढ़ी या डोलावीरा। काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा। फर्स्ट साइट जो थी हड़प्पा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु डिस्कवर्ड हरप्पा साइड इन 1921, कब डिस्कवर की गई थी? 1921 में। ये भी नोट रखना गाइज, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, मैक्स मुलर, नन ऑफ दीज। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दयाराम साहनी। तो गाइज, ये नोट करना कॉपी के ऊपर, पहली साइड जो थी हड़प्पा थी, कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ग्रेट बाथ फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदारो। तो गाइज, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, मोहनजोदारो। सबसे बड़ी सिटी थी ये। ठीक है गाइज, लार्जेस्ट सिटी। द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, कालीबंगन, चंदारो, मोहनजोदारो या सुका गंदोर। तो इसका राइट आंसर है गाइज, मोहनजोदारो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशंट साइट राखीगढ़ी वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जे पी जोशी या मजुमदार। तो गाइज, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जे पी जोशी। तो गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। तो गाइज, सपोर्ट करो मुझे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।